यंत्र चार द्वार का खुले हुआ है। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, भारत में अगर हम निर्वाचन की बात करें तो आप जानते हैं कि यह निर्वाचन व्यवस्था बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जनसंख्या बिल्कुल कम होती है, जनसंख्या क्या होती है? कम, तो उम्मीदवार भी कैसे होंगे? कम। तो ज्यादातर चांस बनते हैं कि यहाँ पर कोई प्रतियोगिता ना हो। क्या नहीं हो? प्रतियोगिता ना हो। लेकिन जब प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता भी किससे? बड़े हिस्से पर होती है, बड़े क्षेत्र पर, बड़े हिस्से में, तो ऐसे में आसानी से किसी एक को चुन पाना संभव नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? कि जैसे मान लो एक यस नेता सर। बनाना है, क्या बनाना है? एक नेता चुनना है, और हमारे पास है भी कितना? एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ है चुनाव में, तो चुनाव की आवश्यकता है क्या? नहीं। ऐसी स्थिति में चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। चुनाव की आवश्यकता कब होती है? जब नेता कितना चुनना हो? एक, और उम्मीदवार कितने खड़े हों? 100 या 10। अब तो चुनाव ही बचा एकमात्र उपाय। समझ में आई क्या बात? यदि हम किसी एक ही व्यक्ति को चुनना चाहें और एक ही व्यक्ति हमारे पास अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में वह निर्विरोध चुनकर आ जाएगा। कहीं कोई ऑप्शन उसके परेशानी का नहीं आएगा। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? निर्विरोध, यानी कि उसके विरोध में कोई खड़ा हुआ ही नहीं। ये व्यवस्था कौन सी कहलाती है? निर्विरोध व्यवस्था कहलाती है। बताओ बेटा, समझ में आई क्या? बिल्कुल भावना, मनीषा कुमावत, समझ में आ रहा है यस क्या? ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो। सर। ये निर्विरोध मामला नहीं बैठा, तो अब क्या होगी? प्रतियोगिता होगी, और इसे ही निर्वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। जनता अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष पद के लिए लेकर आती है, तो वह निर्वाचन कहलाता है। इसकी शुरुआत अगर हम माने तो ये स्वतंत्र भारत से ही है। कब से है? स्वतंत्र भारत से ही है। इसके पहले का इतिहास देखें तो पहले भी था। 1919 के शासन में देखें, 35 में देखें, तो स्थानीय स्तर पर वहां भी चुनकर आ रहे थे। लेकिन हम आजाद भारत के बाद की ही बात करेंगे। स्वतंत्र भारत में निर्वाचन आयोग बना। लिख लो, निर्वाचन आयोग कब बना? निर्वाचन आयोग कब बना? तो निर्वाचन आयोग बना 1950 में। कब बना? 1950 में। और इसके अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। तो निर्वाचन आयोग कब बना? 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। अब देखें इसने क्या काम किया, निर्वाचन आयोग ने। आप माइक बंद कर दीजिए। निर्वाचन आयोग का कार्य, अगला सवाल लिखें। निर्वाचन आयोग का कार्य, निर्वाचन आयोग का कार्य, तो आप देख रहे कार्य क्या क्या था। पहला काम, मतदाता सूची तैयार करना। आप लिख लें ऐसे कैसे? मतदाता सूची तैयार करना पहला काम था। दूसरा, पहचान पत्र बनाना। पहचान पत्र बनाना, बूथ केंद्र स्थापित करना। बूथ केंद्र स्थापित करना। अगला कार्य, चुनाव करवाना।
परिणाम घोषित करना। ये सारे काम थे, ठीक है बेटा। मतदाता सूची तैयार करवाना, पहचान पत्र बनवाना, बूथ केंद्र स्थापित करना, चुनाव करवाना, परिणाम घोषित करना, ये सारे काम किसके हैं? निर्वाचन आयोग के हैं। जब से चुनाव की घोषणा होती है तब से लेकर अंतिम तक सारे काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होते हैं। कंप्लीट काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। तो लिख लो आप एक एक काम करके, फिर इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। मतदाता सूची, पहचान पत्र, बूथ केंद्र स्थापित करना, चुनाव करवाना, परिणाम घोषित करना, है ना, और इससे संबंधित और भी बहुत सारे काम है, ड्यूटी लगवाना, प्रशासन की जिम्मेवारी, कोई विवाद हो जाए तो वो देखना, वो सब। अब इसमें पहला देखें मतदान करवाना। इसमें मतदाता सूची में देखें कौन व्यक्ति मतदान में भाग लेंगे, मतदान में भाग लेंगे, ये कैसे तय हो, समझ में आ रही है? कौन कौन व्यक्ति मतदान में भाग ले, ये कैसे तय हो? तो ये कैसे तय होगा? मतदाता सूची से तय होगा। समझ में आ रही है बात? कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव में वोट डालने जा सकते हैं, कौन वोट डालने नहीं जा सकते, ये तय किससे होता है? मतदाता सूची से होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है, मतदाता सूची में है, वोट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। एक बात कोई तो मतदाता सूची की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? वे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है आसानी से क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। दूसरा, इससे ये भी पता लग सकता है कि कौन व्यक्ति वोट डालेगा और कौन नहीं। जिनका नाम मतदाता सूची में है वो वोट डाल सकता है, जिनका नहीं उनको नहीं डालने दिया जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखो, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। कौन कौन? राम और श्याम। कितने व्यक्ति हैं? दो। राम क्या कह रहा है? राम के पास कंडीशन देखना, एग्जाम्पल देखो आप। राम के पास क्या है? परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है और मतदाता सूची में नाम भी है। मतदाता सूची में नाम भी है। समझ में आ गया बेटा? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? राम के पास क्या है? परिचय पत्र भी है और क्या है? मतदाता सूची में नाम भी है। श्याम के पास देखो, परिचय पत्र है, जिसे हम आईडी भी कह सकते हैं, आईडी कार्ड, है ना, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है। मतदाता सूची में नाम नहीं है, नाम नहीं है। बताओ भाई, वोट कौन डाल पाएगा? राम या श्याम? कौन डाल पाएगा? राम। क्यों नहीं डाल पाएगा? क्योंकि उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है। परिचय पत्र होना ही काफी नहीं है, ये ध्यान रखना। आपकी आईडी कार्ड आपके पास है तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप वोट डाल पाएंगे। गारंटी ये बात देगा कि आपका नाम किसमें होना चाहिए? मतदाता सूची में भी होना चाहिए। आगे देखो एक और, राम श्याम और अशोक, एक कंडीशन और रखते हैं पर। देखो इसका नाम, इसके पास परिचय पत्र नहीं, मतदाता सूची में नाम है, मतदाता सूची में नाम है, लेकिन क्या नहीं है? पहचान पत्र नहीं है, पहचान पत्र नहीं है।
क्या 100 वोट डाल पाएगा? यस सर, सही डाल सकते हैं। कौन कह रहा भाई? मनीषा कह रही है यस। कैसे? क्योंकि सर इसके मतदाता सूची में नाम है, बस इसीलिए है ना। ठीक है, और कोई? आदित्य, भावना, मनीषा, अंकुल, एक जवाब आया, मनीषा ने कहा डाल सकता है, मतदाता सूची में नाम है इसलिए। और सर डाल सकता है, डाल सकता है मतदाता सूची में नाम होने से ही। ठीक है, देखो भाई आंसर देखो, पहली कंडीशन तो नहीं, नहीं डाल सकता। दूसरी कंडीशन डाल सकता है, कैसे? इसकी जगह, इस पहचान पत्र की जगह और ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास आपका और कोई परिचय पत्र हो, जिससे ये पता लग सके कि यह व्यक्ति भावना यादव है, यह व्यक्ति मनीषा कुमावत है, यह व्यक्ति फलाना है, इससे ये पता लग जाए। ऐसा कोई गवर्नमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात? आपके कहने से नहीं होता, अरे मेरा नाम क्या है ये बात साबित करने के लिए कोई ना कोई कागज चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, वोटिंग कार्ड हो सकता है। वोटिंग कार्ड को तो हमने कहा ये परिचय पत्र है, लेकिन इस व्यक्ति के पास परिचय पत्र नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में क्या आएगा? उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके पास आधार कार्ड हो, राशन कार्ड वगैरह, या कोई ऐसा प्रमाण पत्र हो जिससे ये साबित करे कि ये व्यक्ति यही है जिस वोट देने आया है। बताओ बात समझ में आई क्या? यस सर। तो मतदाता सूची में नाम होना 100% जरूरी है, समझ में आया बात? मतदाता सूची में नाम होना 100% जरूरी है, पहचान पत्र होना भी जरूरी है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो भी चल सकता है। निर्वाचन आयोग कई बार ऐसा कर देता है, कई बार क्या हर भारी करता है। बताओ पहला बिंदु किसके समझ में नहीं आया? क्लियर है? मतदाता सूची वाला मामला बैठ गया कि कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो, पहचान पत्र बनाना। इस पहचान पत्र में क्या क्या, देखो मतदाता सूची कैसी होती है। मतदाता सूची इस प्रकार से एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा चुनाव जब होते हैं, ये पर्ची थोड़ा छोटी बन गई, चुनाव जब होते हैं तो अपने घर पे कागज देके जाते हैं, देके जाते हैं ना, ऐसी स्लिप देके जाते हैं। अभी देखा होगा आपने नगर निगम के चुनाव में, है ना, ऐसी स्लिप लोग देके जाते हैं। इस स्लिप में क्या क्या होता है? यहाँ पर व्यक्ति का नाम होता है, क्या होता है व्यक्ति का नाम, फिर नीचे क्या होता है पिता का नाम, क्या होता है पिता का नाम होता है, फिर यहां पर होती है बूथ संख्या, क्या होती है बूथ संख्या, और यहां पर होता है आपका पता, क्या होते हैं पता। बस ये तीन चार चीज होती है, यहाँ एक क्रमांक और होता है, एक क्रमांक और होता है, वो क्रमांक क्या दिखाता है, आपके विधानसभा क्षेत्र को भी दर्शाता है। इसको दर्शाता है, विधानसभा क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये जो स्लिप आती है यही मतदाता सूची का एक हिस्सा है। मतदाता सूची ऐसी बहुत सारी स्लिप को मिलाकर बनती है, समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? अरे एक चैप्टर किताब का एक हम पढ़ रहे हैं, ऐसे 10 चैप्टर मिलकर एक किताब बनती है, तो ऐसी एक स्लिप होकर लाखों स्लिप लाखों लोगों की जब एकत्रित हो जाती है तो उसे नाम क्या दिया जाता है, मतदाता सूची नाम दिया जाता है। और मतदाता सूची किस प्रकार की आती है, समझ में आ गया? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता, बूथ क्रमांक, और मतदाता सूची में आपका नंबर कौन सा है, वो नंबर यहाँ आता है, उसी को देखकर, जैसे मान लो मेरा है 244 नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो जब भी आप किसी व्यक्ति को वोट डालना होगा तो वो 244 नंबर पे जो स्लिप है उसको निकाल ले जाएगा और बूथ के अंदर जाएगा। बूथ के अंदर जाते ही
अब सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है मतदान करवा रहा है, उसको जाते ही देखेगा कि ये 244 नंबर पे मतदाता सूची में इसका नाम है, वो मतदाता सूची में केवल 244 नंबर ही निकालेगा, है ना। मतदाता सूची में कौन सा नंबर निकालेगा, सीधे ही 244 नंबर निकालेगा और उसको राइट टिक कर देगा कि इस व्यक्ति ने वोट डाल दिया है। नहीं, अगर ये स्लिप नहीं हो तो आप सोचो कितनी मारामारी हो जाए। एक व्यक्ति अंदर जाए, फिर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति मतदाता सूची में से देखे कि कौन सा व्यक्ति आया है कौन सा नहीं, एक घंटा उसको देखने में लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप मम्मी पापा के साथ गए हो वोटिंग एरियाज में, तो वहां बाहर कैंप लगे होते हैं, बूथ के बाहर होते हैं ना, अरे जहां वोट हो रहे होते हैं, मतदान हो रहा होता है, वहां बाहर कैंप लगे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं। देखा है किसी ने, गए ही नहीं कभी मतदान के केंद्र पे, है ना। वहां पर ये स्लिप ही दी जाती है। अगर या तो आप घर पे आपके पास आ गई हो, और अगर घर पे नहीं आई हो, तो इस स्लिप से आपको क्या डालना है, वोट डालना है, और ये स्लिप अंदर जाने के बाद काम में आती है। बताओ बेटा इतनी बात किसके समझ में नहीं आई, आ गई बात समझ में? मनीषा आवाज आ रही है? आगे देखो पहचान पत्र। अब ये पहचान पत्र क्या होता है ये देख लो, पहचान पत्र आधार कार्ड सबका बना हुआ ना, आधार कार्ड, आधार कार्ड सब लोगों का बना हुआ है क्या आपका? हाँ, तो आधार कार्ड जैसा होता है वैसा ये भी होता yes, है। यहाँ तो आपकी पिक्चर yes, बना हुआ है, यहाँ तो आपकी क्या है पिक्चर है, यहाँ पर इसके क्रमांक है, क्या है क्रमांक, ये कितना नंबर है इसका, ये है ना। फिर यहाँ पर पहचान पत्र लिखा होता है yes. पहचान पत्र, यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, पीछे पता, और इसपे और तो कुछ यहाँ पर होता नहीं है, बस इतना ही होता है ना। पीछे की साइड इसमें क्या होता है पता, यहाँ लिख लो पता, बस यही जानकारी इसमें होती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, नाम, पता, नाम, पिताजी का नाम और क्रमांक और फोटो, ये चीज देखते हैं। इस क्रमांक से पता लग जाता है, इस नाम पिताजी के नाम से पता लग जाता है कि संबंधित व्यक्ति वही है जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है। ऐसा तो नहीं है कि मतदाता सूची में कोई और व्यक्ति है और हमारे पास जो वोट डालने आया है वो कोई और व्यक्ति है। इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए क्या दिया जाता है, मतदाता पहचान पत्र, इसे पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र कहते हैं, मतदाता पहचान पत्र भी इसे कहते हैं। बताओ भाई क्या समझ में नहीं आया, बैठा मामला यहां तक? अब देखो बूथ केंद्र क्या होते हैं, आगे ये देखो बूथ केंद्र, वे स्थान जहां निर्वाचन कार्य संपन्न होना है, निर्वाचन कार्य संपन्न होना है, अर्थात जहां जहां जनता अपना जहां जनता अपना मत दे सके वो स्थान क्या कहलाता है, बूथ केंद्र कहलाता है। वे स्थान जहां निर्वाचन कार्य संपन्न होता है वे स्थान क्या कहलाते हैं, बूथ केंद्र कहलाते हैं। अब ये बूथ केंद्र कैसे होता है, जैसे अपना ये रूम है सामान्य रूम, ठीक है बेटा, चलो बूथ केंद्र का भी एक नक्शा अपन देख लेते हैं, अपने काम आएगा बाद में, क्योंकि हम ईवीएम पढ़ेंगे अगले साल, एनसीईआरटी में अगले साल क्या है ईवीएम, इसीलिए ये जरूरी है ये पढ़ना, ठीक है। ये यहाँ पर गेट रख दिया मैंने, ये क्या है, एक कमरा है। आज कहाँ चल रहे हैं अपन, बूथ केंद्र पर क्या डालने,
वोट डाल लें, दिख नहीं रहा क्या उधर? चलो इधर बनाते हैं इसको। ये क्या है? एक कमरा है और ये इसका गेट है। ये क्या है? एक कमरा। इसे हमने क्या नाम दिया है? बूथ केंद्र। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मतदान करने जा रहे हैं। आपकी एंट्री यहाँ से होगी, यहाँ से हुई आपकी एंट्री, तो यहाँ पर एक बड़ी मेज होगी, इस पर कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ सदस्य बैठे होंगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ से एंटर हुए, यहाँ पर एक टेबल मिली आपको, यहाँ पर एक दो तीन सदस्य होंगे। दो सदस्य शुरू के आपके नाम की जांच करेंगे, नाम की क्या करेंगे? जांच करेंगे। किसमें? मतदाता सूची में। किसमें करेंगे? मतदाता सूची में। जैसे ही आप गेट के अंदर गए, गेट के अंदर जाते ही आपको दो व्यक्ति मिलेंगे, तीन व्यक्ति होते हैं वैसे तो, दो व्यक्ति क्या करेंगे? मतदाता सूची में देखेंगे कि जो व्यक्ति वोट डालने आया है वह व्यक्ति वही है या उसका नाम है भी या नहीं। पहला व्यक्ति क्या करेगा? सर्च का काम करेगा, देखेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? टिक मार्क कर लेगा कि इस व्यक्ति ने वोट डाल दिया है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति वोट डालकर चला गया और आपसे पूछे कितने वोट हो गए, तो आपको पता कैसे लगेगा? आप टिक करते रहेंगे ना कि ये व्यक्ति आ गया, ये व्यक्ति आ गया। जैसे अटेंडेंस बोलते हैं अपर क्लास में, तो सर टिक करते रहते हैं ना कि ये व्यक्ति आया है और ये नहीं आया। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी काम होता है। पहला व्यक्ति होता है वो ये जांच करता है कि जो व्यक्ति आया है उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। मैंने आपसे कहा था वो स्लिप, मतदान की स्लिप याद है क्या? यहाँ बनाई थी अपन ने। यस सर। उसपे क्रमांक, क्रमांक था ना? यस सर। ये दर्शाता है कि मतदाता सूची में हमारा नंबर कौन से नंबर पर है, है कि नहीं है? तो मतदाता सूची में हमारा नंबर कहाँ है ये बता देगा वो नेक्स्ट वाले बंदे को, और ये वहां पर टिक कर लेंगे और ये स्याही लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्याही इंक। हमारे यहाँ पर क्या प्रेस कर देंगे? वो इंक प्रेस कर देंगे। इंक प्रेस करने का फायदा क्या है बताओ भाई? इंक जो लगाते हैं हाँ हाँ बताओ। इससे ये पता चल जाता है कि इसने वोट डाल दिया है। बिल्कुल, इससे ये पता लग जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने वोट डाल दिया है और ये दोबारा अब नहीं डाल पाएगा। ठीक है ना? अब वो अगर वोट डालने जाएगा तो वो इंक अमूमन 5-7 दिन रहती है, मोस्टली 3 दिन तो रहती ही रहती है, इसीलिए वो दोबारा वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो ये स्याही लगा देगा। स्याही लगाने के बाद यहाँ पर ऐसे एक जगह होती है कवर, जिसमें एक तरफ से तो खुला होता है और इसका मुंह दीवार की साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ईवीएम रखी होती है। क्या रखी होती है? ईवीएम। लिखो ईवीएम का पूरा नाम क्या है, लिख लो ईवीएम का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन लिखें आप, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? आंसर लिखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिया सर। लिया सर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैं लिख रहा हूं, देख लो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन पूरे भारत में, नीचे और लगा लो नोट लगा के, पूरे भारत में 2004 से इसका उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग हो रहा है
कब से हो रहा है? 2004. देखो पहला सवाल तो ये था कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, और कब से इस्तेमाल हो रही है पूरे भारत में? 2004 से इसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, कब से? 2004 से. तो ये ईवीएम है यहाँ. अब ईवीएम पे क्या होता है, ईवीएम देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें, देख पा रहे बेटा किस तरीके की होती है? बस ये कीबोर्ड है यहाँ पर, है ना, ये ठीक इसी तरीके की ईवीएम होती है, बस हल्की सी थोड़ी सी बड़ी होती है. आप देखें इस तरीके की ईवीएम होती है, ऐसे लंबी. यहां पर उम्मीदवार का नाम, किसका नाम होता है? उम्मीदवार का नाम. फिर इसके बाद चुनाव चिन्ह, यहां पर क्या होता है? चुनाव चिन्ह. पहले पहले क्या होता है? उम्मीदवार का नाम, फिर उसके बाद क्या होता है? उसका चुनाव चिन्ह, और उसके आगे बटन होते हैं इस तरीके से, स्विच. क्या होते हैं? बटन होते हैं, स्विच होते हैं. इन स्विच को आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे. प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन और एक रेड लाइट होगी. जैसे ही ग्रीन लाइट, क्या जैसे ही क्या ग्रीन लाइट जलती है और बीप की आवाज आती है, किसकी आवाज आती है? बीप की आवाज, तो आपका मतदान हो गया कंप्लीट. समझ में आई बात? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. पूरे भारत में कब से चल रही है? 2004 से चल रही है. इसमें क्या है? सबसे पहले उम्मीदवार का क्या आता है? नाम. फिर क्या आता है? चुनाव चिन्ह. और उसके आगे क्या आता है? स्विच. ऊपर ऊपर क्या है? दो प्रकार की लाइटें, एक ग्रीन और एक रेड. जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो हमारे लिए मतदान ये कर देती है और ग्रीन लाइट इसमें जल जाती है. बीप की आवाज आती है, इससे हमें ये पक्का हो जाता है कि हमारा वोट डल चुका है. बात समझ में आई क्या? अब देखो ये ईवीएम जो बताई ना पढ़ने, ये वाली ईवीएम, इसके चारों तरफ एक बड़ा गत्ता लगा दिया जाता है, एक कवर करके, है ना, लगभग इतना इतना बड़ा, लगभग, है ना, काफी बड़ा, ताकि किसी को दिखे नहीं कि हमने वोट किसको दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एबीसी तीन पार्टियां हैं. कितनी पार्टियां हैं? एबीसी, और उसी गांव में अपने को रहना. अब वोट तो किसको देना है? एक एक आदमी तीन लोगों को वोट देगा या एक को ही देगा? एक को देगा. तो दो नाराज होने के चांसेस होंगे ना, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है. ऐसी स्थिति में झगड़ा ना हो जाए, ऐसी स्थिति में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति में आपसी द्वेषता ना हो, किसी को ये नहीं बता सके कि मतदान किसे दिया गया है या वोट किसे डाला गया है, इसे ही गुप्त मतदान प्रणाली भी कहते हैं. क्या कहते हैं? गुप्त मतदान प्रणाली भी कहते हैं. बताओ, पता लगता है क्या वोट किसको देके आए? नो. और सबसे बड़ी बात कि कवर भी करके रखते हैं. किसको रखते हैं? पूरा कवर करके उसको रखते हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी को भी ये पता नहीं लग सकता कि मतदान किसे किया गया है, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहती है और मतदान आसानी से संभव हो पाता है. फिर इस ईवीएम में हम एक बार प्रेस करते ही हमारा मतदान हो जाता है कंप्लीट. बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया सर समझ में. अब कोई सवाल ये जानना चाहे कि सर एक बार अपन ने वोट डाल दिया, कोई बात नहीं, कई ऐसे भी होंगे जो एक से ज्यादा बार भी वोट डाल सकते हैं, उनका क्या है कि नहीं? कई तो ऐसे भी होंगे ना जो एक ही चीज को दो चार पांच बार दबा रहे हों, तो फिर उनके साथ क्या किया जाएगा? तो फिर जितनी बार दबाएंगे उतनी ही बार वोट थोड़ी ना होगा, है ना. ऐसी स्थिति ना आए, इससे बचने के लिए भी काम किया गया है. क्या ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए क्या किया गया है? ये देखो, ये ऑटोकट सिस्टम होता है. कैसा होता है? ऑटोकट, ऑटोकट सिस्टम होता है. अब ये ऑटोकट सिस्टम क्या है? ऑटोकट सिस्टम का मतलब बेटा ये हुआ
कि एक बार अगर ईवीएम का बटन आपने प्रेस कर दिया तो इसके बाद दोबारा उसको नहीं प्रेस कर सकते। अगर आप उसे बार बार प्रेस करेंगे तब भी वोट कितना डलेगा? एक ही डलेगा। समझ में आई मेरी बात? एक बार आपने क्या डाल दिया? वोट डाल दिया। तो एक बार वोट डालने के बाद उसको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर यहां पर बैठा हुआ अधिकारी कहां पर? यहां पर बैठा हुआ क्या है? ऑफिसर है। वो ऑफिसर क्या करेगा? इसको ऑन करेगा दोबारा अपने यहां से। तो दोबारा ऑन करने के बाद जब नेक्स्ट बंदा आएगा, नेक्स्ट आदमी आएगा, तभी इसमें वोट डाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं डाला जा सकता। बताओ क्या दिक्कत आई? आज हमने क्या सीख लिया? निर्वाचन आयोग के कार्य देखे, पूरा चुनावी सिस्टम देख लिया, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ईवीएम क्या है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है, किस तरीके से काम करती है, बूथ केंद्र क्या है, ये सारी चीजें। अब आगे देखो, इसमें अगला काम है, बूथ केंद्र हो गया, चुनाव करवाना। अगला काम देखो क्या है इसका? चुनाव करवाना। चुनाव करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें चुनाव करवाने की, तो चुनाव करवाने में क्या कह रही है बेटा? अब ठीक है, ठीक है। देखो यहां से क्या आ रहा है? चुनाव करवाना। तो चुनाव करवाने में क्या है, आप देखें, सबसे पहला काम तो चुनाव की घोषणा करना। चुनाव की घोषणा करने के बाद सबको चुनाव चिन्ह देना। देखो यहां पर क्या क्या करेगा, सबको क्या देगा? चुनाव चिन्ह देगा। कौन देगा? निर्वाचन आयोग ही देगा। मैंने आपको बताया था बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का। क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल। और कांग्रेस का? हाथ। हाथ नहीं है, कटा हुआ हाथ है। कटा हुआ हाथ क्या है? कटा हुआ हाथ नहीं है ना, हाथ तो पूरा होता है ना। कटा हुआ हाथ किसका है? कांग्रेस का। तो ये चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर देखो अगला काम है दलों को मान्यता। क्या देता है ये? दलों को मान्यता देता है। यानी कि कौन से दल लोकल दल होंगे, कौन से नेशनल के दल होंगे, और दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और स्थानीय दल, ठीक है ना। अब कौन सा दल किस प्रकार का दल होगा ये कौन तय करेगा? ये निर्वाचन आयोग ही तय करेगा। अब इसकी शर्तें हैं। ये अंकुल क्या बात है, आवाज क्यों कर रहा है? ये कौन तय करेगा? निर्वाचन आयोग ही तय करेगा। जैसे इसकी निश्चित शर्तें हैं, 2% 4% वोट हो, 2 सीटें हो, 2 से अधिक राज्यों में जीते हुए हों, ये सारी शर्तें कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग ही तय करता है। समय समय पर ये बदलता रहता है, और हर चुनाव के बाद, अगर देश में चुनाव हुआ है, राज्य में चुनाव हुआ है, तो उसके बाद इस चीज का आकलन करता है कि क्या सही हुआ और क्या गलत। उसके बाद कौन कौन से दल राष्ट्रीय दल बने, कौन कौन से राज्य दल रह गए हैं, इसकी घोषणा भी वो करता है। परिणाम घोषणा, देखो चुनाव करवा लिया, ईवीएम के माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया, चुनाव हो गए, और पेटी में क्या हो गया, ईवीएम में क्या हो गया, बंद हो गया क्या रिजल्ट। ईवीएम में रिजल्ट बंद होने के बाद ये चुनाव की डेट पहले से ही घोषित होती है कि इस दिन को चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो उस दिन ये क्या करता है, चुनाव के परिणाम सुनाना शुरू कर देता है। और यह घोषणा
कौन करता है? आपका निर्वाचन आयोग ही करता है। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पर? चुनाव के परिणाम कौन सुनाता है? निर्वाचन आयोग ही सुनाता है अपनी देखरेख में, और इसके लिए अलग से वो केंद्र बनाता है और सारा सिस्टम इसी के अधीन होता है। बताओ क्या सवाल पूछना है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, मैं एक मिनट में इसको रिपीट करता हूँ ताकि अपने को ये याद हो जाए, फिर कल इसके आगे का काम करेंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्वाचन आयोग कब बना था? 1950। अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। और निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं? क्या पहला काम क्या था? मतदाता सूची तैयार करना। इसमें हमने देखा कि किस तरीके की मतदाता सूची होती है, कौन कौन इसके क्या क्या डिटेल्स इसमें होती हैं, और ये किस प्रकार से बनती है, ये सारी चीज हमने इसमें देख ली। इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि पहचान पत्र बनाने का काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। बूथ केंद्र स्थापित करने का काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब इसमें एक देखें, एक शब्द और लिख लो, बूथ कैप्चरिंग। शब्द लिखे आप बूथ कैप्चर। बूथ पर अवैध कब्जा करना बूथ कैप्चरिंग कहलाता है। शब्द क्या है? बूथ कैप्चरिंग। कैप्चरिंग लिखो इसको, बूथ कैप्चरिंग किसे कहा जाता है? कैप्चरिंग किसे कहा जाता है लिख लो। जब कोई अवैध तरीके से बूथ पर कब्जा कर लेता है नियंत्रण कर लेता है और गलत तरीकों से किसी विशेष व्यक्ति को या उसके पक्ष में मतदान करते हैं, क्या कहलाता है? बूथ कहलाता है। कुल मिला के बूथ पर कब्जा करना ही क्या है? बूथ कैप्चरिंग कहलाता है। बताओ क्या पूछना है? नो सर। क्लियर है? बूथ कैप्चरिंग क्या है? बूथ पर क्या करना? कब्जा करना, क्या कहलाता है? बूथ कैप्चरिंग कहलाता है। कोई सवाल है? नो सर। मेरी क्लास का भी टाइम हो गया, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।